आपके सपने अब होंगे पूरे। चालीसा हिल व्यू के साथ तिरुपति डेवलपर्स एंड कॉलोनाइजर्स की नई पेशकश। हमारा पता है किशोर न्यायालय के पास, राजघाट रोड, लिंक रोड, तिली सागर। बिल्कुल किसी खिलाड़ी की तरह नजर आ रहे ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, बल्कि सागर से भाजपा विधायक शैलेंद्र जैन है, जो राशन सामग्री को गाड़ी में रख रहे हैं। एक तस्वीर में वो आपको इसी अंदाज में गाड़ी में बैठे हुए भी नजर आ जाएंगे, वो भी ड्राइवर सीट पर। साथ में उनकी पत्नी अनु जैन भी हैं। दरअसल कोरोना वायरस महामारी से निपटने लगाए गए लॉकडाउन को लेकर गरीब, दिहाड़ी मजदूर और जरूरतमंदों को खाने की समस्या ना हो, इसीलिए विधायक शैलेंद्र जैन पिछले करीब 15 दिनों से लगातार जरूरतमंदों को राशन सामग्री पहुंचा रहे हैं, जिनमें गेहूं, चावल, दाल, तेल, मसाले और नमक शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक हर दिन तकरीबन 400 से 500 परिवारों को ये राशन पैकेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। नगर विधायक ने बताया कि सागर में अभी जागरूकता और सोशल डिस्टेंसिंग की कमी है। जीवन में पहली बार ऐसी त्रासदी देखने को मिली है। इस संकट के समय में मानव सेवा कर अपनी मानवता का परिचय दें और जो व्यक्ति चाहे जैसी मदद कर सकता है मदद करे, और जितना संभव हो सके अपने घर पर ही रहकर इस मदद को करे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सहयोग के लिए हर वार्ड में मोहल्ला समितियां बनाई गई हैं। आवश्यकता पड़ने पर आप सदस्यों से संपर्क कर अपनी बात उन तक और प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं। ये समय जो है बहुत संकट का है, न केवल सागर नगर के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए, वरन मैं मानता हूँ पूरी दुनिया के लिए। और ये 100 वर्ष के बाद ये ऐसा क्षण आया है जबकि उसने एक बीमारी ने जो है पूरे दुनिया को हिला दिया है। आज दुनिया और देश का, प्रदेश का और नगर का हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। कोरोना वायरस जो है वो एक ऐसा अनजान सा वायरस है जिसकी अभी तक कोई एंटीडोज नहीं बन पाई है, जिसके चलते उसका कोई इलाज नहीं है। उसका इलाज एक ही है, वो है अपने आप को क्वारंटाइन करना, अपने आप को घर के अंदर कैद करना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, बार बार हाथ धोना, गरम पेपर, गरम पानी पीना, चाय पीना। ये छोटे छोटे उपाय हैं, अगर इन उपायों पे हमने विशेष रूप से ध्यान दिया तो मैं समझता हूँ कोरोना से हम जरूर कोरोना पे विजय प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन अभी जो देखने में आया है कि हमारे सागर शहर में जागरूकता का बड़ा अभाव है, जिसके चलते लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। झुंड के झुंड लोग घूमते हैं, झुंड के झुंड लोग मेरे यहाँ आ जाते हैं। तो ऐसा ना करके अगर टेलीफोन पर संपर्क और संवाद किया जाए, हमने हर मोहल्ले में मोहल्ला समितियां गठित की हैं, उसमें वार्ड पार्षद भी है, हमारे नगर निगम के टैक्स कलेक्टर भी हैं, अन्य लोग भी हैं, नगर के उस मोहल्ले के कुछ प्रमुख लोग भी हैं। ऐसे मोहल्ला समितियों का गठन किया है। अपनी कोई समस्या आती है तो मोहल्ला समितियों के माध्यम से वो मुझ तक और प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं। ये एक अच्छा एक माध्यम हो सकता है। अभी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने 80 करोड़ परिवारों तक, 80 करोड़ व्यक्तियों तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने भी हर एक दुकान पे एडिशनल गेहूं का और आटे का, दाल गेहूं का और चावल का आवंटन किया है, जिसके चलते जो नॉन बीपीएल परिवार हैं उन नॉन बीपीएल परिवारों को हम लोगों ने कुछ अनाज उनके कंट्रोल की दुकानों से माध्यम से किए हैं। हमारी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, हमारे सागर शहर के अनेक जो ऐसे व्यक्ति हैं जो स्वयं अपने संसाधनों से भोजन पका के और डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं, अनेक लोग अनाज के पैकेट बना के मोहल्ले मोहल्ले भेज रहे हैं। मैं उन सबके प्रति धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे सागर नगर के जो डॉक्टर्स हैं, पूरी की पूरी टीम, CMHO से लेके, CS से लेके, डीन महोदय से लेके, सारा का सारा अमला इसी काम में लगा हुआ है कि हम कैसे भी कोरोना वायरस पर विजय प्राप्त कर पाएं। मैं उनको सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम पुलिस डिपार्टमेंट के सिपाहियों से लेके SP महोदय तक, IG महोदय तक, सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिस मुस्तैदी के साथ
पुलिस वाले काम कर रहे हैं वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। हमारे मीडियाकर्मी सही और सच्ची जानकारी लोगों तक पहुंचे, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, ये काम भी हमारे जो मीडिया जगत के बंधु बांधव हैं वो अपने जान जोखिम में डाल के भी इस तरह का काम कर रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि उन्हें भी प्रोटेक्शन करना चाहिए, उनको ग्लव्स पहन के निकलना चाहिए, उनको मास्क लगा के निकलना चाहिए और जब भी मौका मिले सैन हाथों को और पैरों को सैनिटाइज कर लेना चाहिए। जब वो अपने घर में वापस आते हैं तो कपड़े बाहर उतार के उसको डिटॉल में उसको धोना चाहिए और स्नान करके ही नए वस्त्र पहन के, नए वस्त्र मतलब धुले हुए कपड़े पहन के ही घर में प्रवेश करना चाहिए, तदुपरांत भोजन इत्यादि करना चाहिए। ये छोटे छोटे से उपाय हैं जिनसे अगर हमने अमल में लाए तो मैं समझता हूँ कि ये कोरोना जैसी जो महामारी है उसे हम विजय प्राप्त जरूर कर पाएंगे। जैसा कि पूरे शहर में चर्चा है कि हमारे विधायक जी जहाँ उनको संदेश मिलता है वहाँ खाना या अन्य खाद्य वस्तुएं पहुँचाने का काम कर रहे हैं, तो ये आपके नेतृत्व में हो रहा है, तो इसको आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? अभी मैंने घर पे अपनी पूरी टीम जो हमारे स्टाफ के लोग हैं उनके साथ मिलके हम राशन की थैलियाँ बनवा रहे हैं 5 किलो की और 10 किलो की, जिसमें गेहूँ भी है, दाल भी है, चावल भी है, खाने का तेल भी है, मसाले हैं, इन सब का पैक करके और जहाँ जैसी हमें जानकारी लगती है कि फलां स्थान पे भोजन की और खाने की अव्यवस्था है वहाँ पे हम अपने संसाधनों से वहाँ अनाज पहुँचाने का काम कर रहे हैं, कहीं पे भोजन पहुँचाने का काम कर रहे हैं। हम अपने पूरे परिवार के अंदर मेरी पत्नी से लेके मेरे जितना स्टाफ है ये सब परिवारजन है हमारे, ये सब एक ही काम में लगे हैं। इसके अलावा जो चिकित्सीय सुविधाएं हैं वो कहाँ कैसी हैं उनकी समीक्षा करना, तो यथासंभव कभी मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने चला जाता हूँ, कहीं चमेली चौक अस्पताल भी हमने शुरू कर ली है उसका निरीक्षण करने चला जाता हूँ। हमने अपना जो बीड़ी कामगार अस्पताल है, बीड़ी कामगार अस्पताल को भी आइसोलेशन वार्ड के रूप में चिन्हित करके उसको भी व्यवस्थित बना दिया है। तो ये सब आज एक जनप्रतिनिधि के नाते मेरा भी दायित्व है। कल मैं घरौंदा आश्रम गया था, वहाँ लगभग 58 विकलांग बच्चे हैं, उनको राशन इत्यादि दे के आया हूँ। हमारे निकट के मित्र हैं दीना भाई मेहता, उनका फ़ोन आया कि हम इस तरह का सहयोग करना चाहते हैं, उनके सहयोग से वहाँ घरौंदा आश्रम में हम अनाज दे के आए। तो प्रतिदिन कहीं ना कहीं जाके सामान बांटने का काम इत्यादि हम छोटा मोटा करते हैं। धन्यवाद। चालीसा हिलव्यू के साथ तिरुपति डेवलपर्स एंड कॉलोनाइजर्स की नई पेशकश 7.83 एकड़ में आवासीय प्लाट चालीसा हिलव्यू, सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी में सभी साइजों में आवासीय प्लाट उपलब्ध है, पूर्णतः वैध कॉलोनी, संपूर्ण रूप से कवर्ड कैंपस, गार्ड रूफ पार्क, 24 घंटे सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, चौड़ी सीसी रोड, प्राकृतिक सुंदर पहाड़ों के बीच स्थित कॉलोनी, प्रदूषण मुक्त वातावरण, वाटर सप्लाई ओवरहेड टैंक द्वारा, सिवर लाइन हेतु सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, सुंदर स्ट्रीट लाइट, राष्ट्रीयकृत बैंकों से फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है, तो आज ही संपर्क करें। हमारा पता है किशोर न्यायालय के पास, राजघाट रोड, लिंक रोड, तिली सागर,